वेलकम टू डाइव टू लर्न। मेरा नाम है लोकेश अग्रवाल। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर वेरियंसेस का टॉपिक, और ये टॉपिक काफ़ी कुछ मटेरियल कॉस्टिंग जैसा ही है, मटेरियल वेरियंसेस जैसा ही है। इसमें कुछ एक नए पॉइंट्स भी हैं, आइए हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ है। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी, हमारी डाइव टू लर्न ऐप लॉन्च हो चुकी है। आज ही आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और 5-स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, यह हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज हमारा टॉपिक है लेबर वेरियंसेस। लेबर वेरियंसेस बिल्कुल हूबहू मटेरियल वेरियंसेस जैसा ही है, इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, वो भी हम सीखेंगे। बाकी इसके अंदर बिल्कुल वही है, बस वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया है। आइए लेबर वेरियंसेस का टॉपिक सीखते हैं। देखिए, जैसे हमने, मैं हल्का हल्का रिवाइज करवाते जाऊंगा आपको, कि पिछली क्लास में हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या सीखा था, उसी से लेबर कॉस्ट वेरिएंस बनाएं। पहली बात तो जब हम मटेरियल में बात करते हैं तो कॉस्ट का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, यही होता है। लेकिन जब लेबर कॉस्ट की बात करते हैं, ये था मटेरियल कॉस्ट, जब हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो लेबर कॉस्ट के अंदर तो क्वांटिटी थोड़ी होती है। लेबर्स का क्या होते हैं, लेबर्स को पैसे किस हिसाब से दिए जाते हैं, आर्स, घंटों के हिसाब से, कितने घंटे काम किया। और उनका प्राइस नहीं होता, लेबर्स का रेट होता है कि एक घंटे के कितने रुपए दर होती है उनकी, है ना। तो लेबर में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो क्वांटिटी की जगह वर्ड आ जाता है आर्स, और प्राइस की जगह वर्ड आ जाता है रेट, ठीक है। तो ये बन जाता है लेबर कॉस्ट। तो पहली बात, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, आर्स को रेट से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा वेरिएंस है लेबर वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दो, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। जब एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे उसका मतलब है एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट। आपको ये जो दिख रहा है स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये जो एक्चुअल आर्स के साथ में पी दिख रहा है, जहाँ पे भी आपको पी या डब्ल्यू में से कुछ दिख रहा है, इनके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि लेबर कॉस्ट वेरियंस का मतलब क्या हुआ। लेबर कॉस्ट वेरियंस का मतलब हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड आर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं तो एक्चुअल आर्स को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेबर कॉस्ट वेरियंस का। आओ, लेबर कॉस्ट वेरियंस में भी दो टुकड़े होने चाहिए, इसके भी दो रीजंस की वजह से होना चाहिए लेबर में कॉस्ट वेरियंस। एक तो आर्स की वजह से, दूसरा रेट की वजह से। तो जो रेट वाला है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर जो आर्स वाला है उसे पढ़ेंगे। एक ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है इसकी बाद में करेंगे। आइए, जैसे हमने मटेरियल में पढ़ा था, एक बार याद दिलाता हूँ आपको, मटेरियल में क्या था। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस दो चीज़ों की वजह से होता था, मटेरियल प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूसेज वेरियंस। यूसेज का मतलब होता था क्वांटिटी, यूसेज का मतलब क्या होता था, क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आया है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूसेज वेरियंस, यही आपने सीखा था। यहीं पे अगर मैं बात करूँ लेबर कॉस्ट वेरियंस की तो इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे। लेबर प्राइस की बजाय क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रेट, लेबर रेट वेरियंस, ठीक है, प्राइस की जगह रेट हो गया। प्लस मटेरियल यूसेज वेरियंस, वहाँ सामान का किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके ऊपर वेरियंस था। यहाँ पे लेबर की एफिशिएंसी के ऊपर है कि लेबर कितना इफेक्टिवली काम करता है, कितना एफिशिएंटली काम करता है। तो दूसरा हो गया यहाँ पे यूसेज वेरियंस की बजाय इसको क्या बोलेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस। प्राइस की जगह लेबर रेट वेरियंस हो गया, यूसेज की बजाय लेबर एफिशिएंसी वेरियंस हो गया। आ रहा है समझ, मैं आपको कोरिलेट करवाना चाह रहा हूँ उसी टॉपिक से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखना फार्मूले कितने आसान लगेंगे। जब हम बात करते हैं लेबर रेट वेरियंस की तो इसमें रेट का डिफरेंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। जब हम बात करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरियंस की तो इसमें आर्स का डिफरेंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। जब अंदर रेट है तो बाहर आर्स होगा,
जब अंदर आर्स है तो बाहर रेट होगा, है ना? आ रही है बात समझ में? अब आपको याद है जैसे उसमें हमने बात करी थी कि हम 2 नंबर के माल का धंधा कर रहे हैं तो हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आके पकड़ लेता है। उस समय ने क्या याद किया था कि जब अंदर क्वांटिटी होती है तो बाहर स्टैंडर्ड प्राइस होता है ना? तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे कि जब अंदर हमारे पास आर्स है, ठीक है, जब हम अंदर हमारे पास आर्स है तो हम क्या करेंगे, बाहर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एस पी तो यहाँ लिख नहीं सकते ना, एस आर लिखेंगे। और यहाँ एस आर है, इसका मतलब रेट वाले में क्या होगा, एक्चुअल आर्स, क्योंकि अंदर रेट है तो बाहर आर्स होना चाहिए। लेकिन आर्स कौन से, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? तो जवाब आएगा एक्चुअल होने चाहिए। बताओ याद आया सारा? आप बिल्कुल हूबहू वैसे ही फार्मूले बना पा रहे हो जैसा आपने मटेरियल में सीखा था। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने मटेरियल में भी क्या सीखा था कि मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस होता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो होता है ना, यहाँ था हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसके उसमें दो चीज़ें निकल आती थी, एक निकलता था मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और एक निकलता था मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो ये चीज़ें भी अभी भी इसी तरह हैं, बस मटेरियल की जगह लेबर नाम आ गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारा है लेबर वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस। तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक हो गया लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी, जैसे वहाँ पे सब यूसेज था ना, सब यूसेज ऊपर था मटेरियल यूसेज वेरियंस, नीचे हो गया था सब यूसेज, तो यहाँ पे था मटेरियल एफिशिएंसी, और मटेरियल एफिशिएंसी का क्या नाम हो गया, मटेरियल रिवाइज्ड, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरियंस, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे था एमएमवी, मटेरियल मिक्स वेरियंस पहले, तो अब वो हो गया लेबर मिक्स वेरियंस। अच्छा, फार्मूले बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्या तरीका होता है, ये जो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स होता है, इसके बीच में कौन जंप कर जाता है, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स। वहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जंप कर रहा था, यहाँ पे क्या जंप कर जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे दो फार्मूले हो जाएंगे, सुनिए एक बार मैं फिर से लिख के बताता हूँ। लेबर एफिशिएंसी वेरियंस का क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, बाहर स्टैंडर्ड रेट वो रख ही लेंगे। अब इसके बीच में कौन जंप कर जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स, तो यहाँ आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ। अब जो पहले वाला ब्रैकेट है ये बन जाएगा लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, और जो दूसरे वाला ब्रैकेट बन जाएगा ये बन जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं इसके बारे में भी एक बार, लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये बन गया स्टैंडर्ड और रिवाइज के कॉम्बिनेशन से। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस, ये बन गया रिवाइज और इसके कॉम्बिनेशन से, बाहर मल्टीप्लाइड में तो स्टैंडर्ड रेट आएगा ही आएगा, वो तो क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड रेट था तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको याद हुए सारे फार्मूले। अब हमारा एक स्पेशल फार्मूला रह गया इस टॉपिक में, वो है आइडल टाइम वेरिएंस। इसके बारे में पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये जो मैंने डब्ल्यू पी बार बार छुपाए हैं, एक्चुअल आर्स वर्ड, एक्चुअल आर्स स्पीड, ये क्या है, अब इनके बारे में बताता हूँ, तब आपको आइडल टाइम वेरियंस दिखाऊंगा। आओ बेटा पहले एक छोटी सी बात समझते हैं लेबर के बारे में। बेटा हमने लेबर को है ना अपने ऑफिस में बुलाया, फैक्ट्री में बुलाया काम करने के लिए, ठीक है। अब लेबर आ गई, सुबह 10 बजे आ गई, शाम को 6 बजे जाएगी। अब वो 10 बजे आके काम करने बैठी तो देखा मशीन ही चल नहीं रही। हमने इंजीनियर को फ़ोन किया, इंजीनियर ने कहा 1 घंटे में आता हूँ। 11 बजे वो आया, 1 घंटा उसने सही करने में लगाया। 12 बजे वो मशीन चालू करके गया, लेबर को सौंप गया कि भाई अब तुम काम कर सकते हो। अब लेबर ने काम करना चालू किया, शाम को 6 बजे जब वो जा रही है तो वो आज का पैसा लेके जाएगी। अब वो आज का पैसा आप कितना दोगे उनको, 10 बजे से 6 बजे तक का पैसा दोगे लेबर को, या फिर 12 बजे से 6 बजे तक का, 10 बजे से 6 बजे तक का, या फिर 12 बजे से 6 बजे तक का। देखो उन्होंने काम कितनी देर किया, काम तो एक्चुअल आर्स वर्कड, एक्चुअल आर्स वर्कड तो इतना ही था, जबकि एक्चुअल आर्स पेड, आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी ना वो इन घंटों की करनी पड़ेगी, यानी आपको 8 घंटे की पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि उन्होंने काम कितने घंटे किया, 6 घंटे किया, है ना। तो ये जो आप एक्स्ट्रा 2 घंटे का पैसा दे रहे हो ना, इसे ही बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब होता है कि जब लेबर खाली बैठी थी हमारी वजह से, वो लेट नहीं आई, वो आई थी काम करना चाहती थी, मशीन तकनीकी खराबी की वजह से, लाइट चली गई, या कोई भी ऐसी रीज़न जो बियॉन्ड उनके कंट्रोल से हो, तो वो जो पैसा हमें देना पड़ता है उस घंटे का, उसे बोलते हैं आइडल टाइम। अब ये बताओ ये जो 2 दिख रहा है, ये हमारे लिए फेवरेबल है या हमारे लिए जो है वो अनफेवरेबल है,
यानी एडवर्स सिचुएशन है। ये 2 घंटे जो हैं हमारे लिए एडवर्स हैं, क्यों? क्योंकि भाई अगर हम अपने सामान का ख्याल रखें, पहले से ही चीज़ों को तैयार रेडी रखवाएं, तो हम लेबर से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा सकते थे ना, हमने उनको खाली बैठने का पैसा दिया। तो ये सिचुएशन हमारे लिए दिख पॉजिटिव रही है, लेकिन है क्या ये? ये हमारे लिए एडवर्स है, हमारे फेवर में नहीं है। ये वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन ये वैल्यू है क्या हमारे लिए? एडवर्स, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान की बात है। ठीक है, तो आपने एक बात सीखी यहाँ से कि एक होता है एक्चुअल आवर्स पेड, एक होता है वर्ड एक्चुअल आवर्स पेड, और एक होता है एक्चुअल आवर्स वर्कड। वर्कड कम होता है, यानी कम घंटे लेबर काम करती है, लेकिन जबकि हम पैसे उनको देते हैं ज़्यादा घंटों के लिए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कहाँ पे एक्चुअल आवर्स पेड वर्ड आता है, कहाँ एक्चुअल आवर्स वर्कड वर्ड आता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में होती है। वैसे हमारे एग्जाम्स में इस तरीके का लेवल आता नहीं है, स्टिल आप लोग एक बार सीख लीजिए, फ्यूचर में कभी काम आ जाए। आइए देखिए बेटा, आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे पेड और वर्कड याद रखने का तरीका। आपको एक बात तो याद हो गई होगी मटेरियल और लेबर के फार्मूले याद करके, कि मेरा चार्ट हमेशा इसी तरीके से बनता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इधर वो प्राइस वाला, इधर क्वांटिटी वाला, है ना। यानी यहाँ पे तो हो गया रेट वेरिएंस, यहाँ हो गया आर्स वाला वेरिएंस, है ना, एफिशिएंसी जिसको बोलेंगे। अब आपको क्या करना है बेटा, 3 फार्मूलों में पी रखना है, लेफ्ट साइड को क्या रहेगा? पी। यानी यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको जहाँ पे भी दिखे वहाँ एक्चुअल आर्स के साथ पेड लगा दो, एक्चुअल आर्स पेड और एक और बार एक्चुअल आर्स पेड। हो गए लेफ्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट, ये देखो ये लेफ्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड के पोर्शन की बात करते हैं, यानी इस तरफ के पोर्शन में सारा क्या आया? एक्चुअल आर्स पेड। अब इस तरफ के पोर्शन में क्या आएगा? एक्चुअल आर्स वर्कड। ये देखो ये क्या है? एक्चुअल आर्स वर्कड। यहाँ पे भी क्या है? एक्चुअल आर्स वर्कड। और यहाँ पे भी क्या है? नीचे दिखाना है मुझे आपको, एक्चुअल आर्स वर्कड। ये लास्ट फार्मूले में देखिए, ये भी है एक्चुअल आर्स वर्क, एक्चुअल आर्स वर्क और एक्चुअल आर्स वर्क। 3 चीज़ें यहाँ वाली हो गई, जो इस इतना कॉर्नर है ये हमारा हो गया एक्चुअल आर्स वर्क, और जो इस तरफ का कॉर्नर है वहाँ पे हो गया एक्चुअल आर्स पेड, और आप ऊपर भी देखेंगे तो एक्चुअल आर्स पेड था। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखने का तरीका हो गया कि भाई एक्चुअल आर्स पेड कहाँ था वर्क। अब बात आती है आइडल टाइम की, तो आइडल टाइम का फार्मूला क्या बनेगा? देखो ये लेफ्ट साइड में आपने क्या याद किया था? एक्चुअल आर्स पेड, और राइट साइड में क्या याद किया था? एक्चुअल आर्स वर्क। यही तो आपने तरीका बनाया था ना, है ना, लेफ्ट साइड में एक्चुअल आर्स पेड और राइट साइड में एक्चुअल आर्स वर्कड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट तो रहेगा ये। ठीक है, ये आंसर आपको बेटा दिखेगा पॉजिटिव, लेकिन आपको लिखना क्या है इसको? नेगेटिव, क्योंकि आइडल टाइम वेरिएंस हमारे फेवर में कभी हो ही नहीं सकता। आइडल टाइम का मतलब कि हमने ज़्यादा घंटे के पैसे दे दिए, काम कम समय करवाया, तो ये हमेशा दिखेगा पॉजिटिव, लेकिन आपको लिखना क्या है इसको? नेगेटिव। तो ये था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट लेबर वेरिएंसेस का। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत करना भूलना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, अगर आपको पसंद आया तो उनके भी काम का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय।